कालीचरण की गिरफ्तारी पर हिंदू संगठनों का विरोध जारी। इंदौर के बाद भोपाल में बजरंग सेना का हल्ला बोल। भोपाल में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने फूंका भूपेश बघेल का पुतला। नाथूराम गोड से अमर रहे के लगाए नारे। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस पार्षद की भूख हड़ताल। 6 अलग अलग मामलों की शिकायत में कार्रवाई न करने से है नाराज। हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष। विदिशा के रंगाई पंचायत क्षेत्र में बेतवा नदी पर नए पुल के निर्माण में ढाए गए घर। कड़ाके की ठंड में अपने मवेशियों के साथ सड़क पर नजर आए रहवासी। अधिकारियों की दिखी लापरवाही। मंदसौर जिले में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी करने वाले सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। कई घरों के ताले तोड़कर चुराए नकदी जेवर सहित लाखों रुपए। और मंडला में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में मिले अज्ञात शव की सुलझी गुत्थी। विवाद के चलते दो लोगों ने मिलकर की थी हत्या। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत बुलेटिन। में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश भर में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया हुआ है। भोपाल में जिला ग्रामीण के अध्यक्ष जहर सिंह लोधी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला दहन किया गया। बता दें कि बजरंग सेना के द्वारा राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है। कार्यक्रम में बजरंग सेना संगठन मंत्री विक्रांत सिंह, जिले के अध्यक्ष जहार सिंह लोधी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज तिवारी, मीडिया प्रभारी विनोद साहू, महामंत्री श्रीकांत दुबे, शरद राय, राकेश वाला, जीतू ठाकुर, संतोष अहिरवार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपने पुतला दहन किया है और नाथूराम गोडसे अमर रहे और जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए हैं? बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी का निर्देश है कि पूरे देश में हमारे हिंदू धर्म के महान संत के की जो गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में जगह जगह देश भर में पुतला दहन हो रहा है। उसी श्रृंखला में भोपाल ग्रामीण में भी पुतला दहन किया गया। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद क्यों, ऐसा क्या? नाथूराम गोडसे की महात्मा गांधी जी से कोई दुश्मनी थी? इस पर बहस होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। इस पर बहस होना चाहिए कि पाकिस्तान को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इस्लामिक राष्ट्र बनाया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया। इस कारण नाथूराम गोडसे ने यह किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्षद को भूख हड़ताल में बैठने की जरूरत पड़ रही है। जी हां, महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस पार्षद हरदीप सिंह रैना 6 अलग अलग मामलों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। आज दूसरे दिन हड़ताल को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद और नगर पालिका अध्यक्ष अमृत लाल पटेल पहुंचे। बता दें कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन मामलों को लेकर शिकायत में कार्रवाई न करने पर रैना भूख हड़ताल पर बैठे। हम कांग्रेस से जीते हुए लोग हैं और कांग्रेस हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ती है। आज कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जनहित के मुद्दे का निराकरण नहीं कर रहे हैं। मेरा इशारा हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नम्रता जैन जी की ओर है। हम जनहित के मुद्दों का निराकरण चाहते हैं। ग्राम बलौदा से ग्रामवासी हमारे पास समस्या लेकर आए थे 2017 में जब ODF भ्रष्टाचार हुआ था। हमने उनको विधानसभा चुनाव से पहले उनके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और उनकी जो राशि है उनको दिलाने का वादा किया था। आज 3 साल बाद भी हम उनको राशि नहीं मिल पाई है। हम उसी की मांग अनुविभागीय अधिकारी से कर रहे हैं। दूसरा सबसे अहम जो मुद्दा है, शिशुपाल समिति द्वारा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित सुरक्षित भूमि को आपस में बंडर बांट कर लिया गया है, उस पर हम कार्रवाई जाते हैं। और अभी जब रैना साहब के
जांच के लिए हम लोग आए थे तो उसमें उनका बीपी मिला 182/107 जो कि थोड़ा बढ़ा हुआ है, और शुगर लेवल भी 167 मिला है, वो भी फास्टिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम इस पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथ महासमुंद संवाददाता विकास शर्मा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विकास, क्या है तमाम जानकारियां, 6 अलग अलग मामले? दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महासमुंद की खबर आप देख पा रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं कांग्रेस पार्षद रैना। 6 अलग अलग मामले हैं जिन मामलों को लेकर लगातार नाराजगी नजर आ रही है। रैना इस शिकायत पर कार्रवाई न होने पर, इन मामलों पर शिकायत जो दर्ज की गई है 6 अलग अलग, इन मामलों पर कार्रवाई न होने से नाराज हैं, जिसकी वजह से भूख हड़ताल पर हैं। मंदसौर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव रसुडा वन में चोरों ने कई घरों में ताले तोड़कर नकदी जेवर सहित लाखों रुपए की चोरी की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल अफजलपुर पुलिस जांच में जुटी है। हाँ, वहां से हमारे पास सरपंच का टेलीफोन आया था कि लश्कर वन में रात्रि में कहीं ताले टूट गए हैं, तो मैं सुबह गया था वहाँ पे घटनास्थल पे, मैंने पूरा सर्च किया था और आसपास कैमरे हमरे एक डॉक्टर के वहाँ लगा था, उसे भी सर्च करवाया था। तो जो है एक देवीलाल ब्राह्मण करके हैं, उसका लड़का जियोस का काम करता, तो वो बता रहा था कि मेरे यहाँ 120,000 रुपये जियोस के पैसे जमा करने के लिए आए थे, तो वो पैसे मैंने बैग में रख रखे थे, वो पैसे बैग में से निकाल ले गए हैं, और कुछ मेरे घर के पाइजेब थे और कुछ और कंदूरा वंदरा था बता रहे घर वाला का, तो वो भी निकाल ले गए हैं। और एक और मकान पे महिला जो उज्जैन कहीं गई थी इलाज कराने के लिए, वो घर पे उसे दो बेटियां हैं, तो बेटे शादी यदि कर दिए, तो वहाँ पे भी उसे पलंग पेटी में से उसका ये कमर में लटकाने का वो लड़कन आता है, एक झुमका टाइप और कुछ चेन चांदी की और हाथ में पहनने की बता रहे हैं। और एक जगह और कहीं नकद रखे थे घर में कहीं 10,000 रुपये, वो ऐसे चुरा कर ले गए हैं। हमने पूरा सर्च किया है और उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं खबर भारत संवाददाता शुभम चौहान मंदसौर से। शुभम, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं चोर और कई घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है, क्या अभी तक पकड़े नहीं गए सबूत मिलने के बावजूद? क्रांतिप्रिया, मैं बताना चाहूंगा कि ये अफजलपुर थाना अंतर्गत के गांव लसुड़ा वन का मामला है, जहां पर मंदसौर जिला मामला है। जी जी, बताइए शुभम, सुन पा रहे हम? बीती रात्रि को चोरों ने ताले तोड़े हैं। हाँ शुभम, सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं लोग, क्या उनकी पहचान कर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया? जी, अभी तक पता नहीं लगा पाया है, घटना स्थल के आसपास के कैमरे सर्च किए जा रहे हैं, और देवीलाल ब्राह्मण करके उसका लड़का है जो कियोस्को का काम करता है, 120,000 रुपए कियोस्को का जमा करवाने के आए थे। हाँ। वो उसके पैसे चोर ले गए। बिल्कुल, लंबे समय से चोरियां हो रही हैं, मतलब कि पुलिस के जहन में संज्ञान में तो ये मामला है, लेकिन चोर पकड़े नहीं गए। कितनी संख्या है उन लोगों की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मंदसौर जिले में चोरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार चोरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि जहाँ दिन दहाड़े भी चोरियां होती है और रात्रि में तो चोर चोरी करती है, उसके दिन में भी चोर चोरी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बहुत नाकामयाब दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए।
मंडला कोतवाली में सूचना मिली कि लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में अज्ञात शव मिला है, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने मृतक की पहचान प्रसन्न उप पप्पू चौहान के रूप में की, जिसकी हत्या अज्ञात लोगों ने पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर की थी। पुलिस ने अपराध कायम कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली मंडला में रिपोर्ट दर्ज करवाई। छानबीन के बाद पता चला कि मृतक का किसी के साथ विवाद हुआ था। सबूतों के आधार पर मृतक के मोहल्ले में रहने वाले अतुल यादव और चित्रांश झारिया को अभिरक्षा में लेकर सघन पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जनवरी को सुबह सुबह एक लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की गली में डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ही वो मर्डर लग रहा था। इसको हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेट किया, उसमें पता चला है कि उसी वार्ड के ही एक अतुल यादव और सिब्बू झारिया वहीं के रहने वाले हैं। और ये पप्पू जो चौहान जो था वो रात में शराब पी करके निकल रहे थे तो तत्कालिक रूप से इनके बीच में गाली गलौज और झगड़ा हुआ है और उस पर से ही धक्का मुक्की करके उन्होंने पत्थर पटक करके उसकी हत्या की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये आपस में तत्कालिक रूप से ये भी शराब पी हुए थे, वो भी शराब पी हुए थे और उनके जो कहाँ सुनी हुई है तो आवेश में आकर के ये घटना हुई है। सर, इस तरह से बहुत तगड़ी रंजिश थी या ऐसा अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि ऐसा कोई विशेष पुरानी रंजिश हो इन लोगों के बीच में। ये अभी तक में तत्कालिक रूप से ही झगड़ा होना, तत्कालिक रूप से शराब पी करके झगड़ना, इनका ये प्रकाश में आया। कोरोना के वर्तमान हालात की समीक्षा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसकी भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बैठक ली और चर्चा की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने बताया कि राजधानी में 8,500 बेड उपलब्ध हैं, सभी ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं, लोगों को जागरूक करने का भी फैसला लिया गया। बिना मास्क वालों पर अब 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही भोपाल में मास्क को लेकर अभियान चलेगा। वहीं फिलहाल कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बैठक में मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसते नजर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, राजनीतिक कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर हो रहे प्रत्यारोप पर अजय सिंह ने कहा कि कोर्ट के मामले में कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, आरक्षण मामला लंबित है, क्या निर्णय होता है ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय थी कि सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो वो नहीं हुए, क्या पैंच लगाकर सरकार ने चुनाव टाले हैं ये तो सरकार जाने। देखिए, सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से कोई लेना देना नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजनीतिक कार्यक्रमों में कोई कोरोना के प्रतिबंध नहीं है। हाँ, कोई दूसरा कोई कार्यक्रम करना चाहे उसमें कोरोना के वजह से अनुमति नहीं मिलती, चाहे वो रोजगार मेला करे चाहे रैली करे, सब अलाउड है। यदि कोरोना सही में फैल रहा है, रात की कर्फ्यू लग गई, मुख्यमंत्री रोजाना बयान दे रहे हैं कि सावधान रहना है, इस तरह के कार्यक्रम जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है उसको भी प्रतिबंधित कर दें 1 महीने के लिए। देखिए, वो चाहे नामकरण करें, चाहे विकास के लिए उन सीटों को चिन्हित करके प्रोजेक्ट्स लाएं, शिवराज सिंह जी ये बात समझ लें कि 2018 में उनकी सरकार जा चुकी थी, खरीद फरोख्त की सरकार बना ली।
कल देश भर में जूता चप्पल व्यापारियों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। इस क्रम में मध्य प्रदेश के 30,000 से ज्यादा व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया। बता दें कि इस बंद का आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि जूता चप्पल पर अभी तक 5% GST लगता था, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी से पूरे देश भर में प्रभावी हो चुका है। इसी बात का विरोध करते हुए व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। बहुत ज्यादा एक तकलीफ का विषय है ये। छोटे तबके के ऐसा आग्रह था, मतलब आज भी इस महंगाई के जमाने में किसानों के ही उसमें काम में आता है। किसान मजदूर आज भी इस महंगाई के दौर में 25-30 रुपए से लेकर चप्पलें 20 रुपए से लेकर चालू हो जाती है। और उसमें पुनर्विचार करके लेने को यथावत किया। एक बार अच्छे से विचार किया जाए, हम लोगों का निवेदन है आपसे और हमें आप लोगों पे भरोसा है, विश्वास है पूरा कि आप हमारी समस्या को समझेंगे। कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसका आपको परेशान हो। जी नंबर 500 नीचे तक की जोड़ी को 5। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में ओबीसी कार्यकर्ताओं और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 191वीं जन्म जयंती मनाई। इस आयोजन में शिक्षिकाओं को सावित्रीबाई फुले ऑनर एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना कुशवाहा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की। साथ ही उन्होंने महिलाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि हर महिला को समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। साथ ही ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि वक्ताओं ने भी अपने विचार रखते हुए नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण की बात की। विदिशा के रंगाई पंचायत क्षेत्र में बेतवा नदी पर नए पुल के निर्माण के चलते 5 मकानों को तोड़ा गया। लगभग 50 सालों से ज्यादा समय से रह रहे यहां के लोग, तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने 25 दिसंबर को जब अतिक्रमण हटाया तो रहवासियों को अन्य जगह पट्टे आवंटन की बात की गई, पर रहवासियों के अनुसार अभी तक कोई भी पट्टा नहीं मिला है। इस संबंध में लोग अधिकारियों से मिलने भी गए पर उन्होंने सिर्फ आवेदन लेकर खान आपूर्ति के अलावा और कुछ नहीं किया। कड़ाके की ठंड में सभी परिवार और उनके मवेशी खुले में गुजर बसर करने को मजबूर है, लेकिन खबर लेने वाला कोई भी नजर नहीं आया। और जैसे तैसे दुख मुसीबत से घर बनाया तो वो भी तोड़ डाला और ना पट्टे दिए और बोल दी मैडम ने पट्टे दे दिए यहाँ पे, और बच्चे बड़ाई के मारे में मारे मारे फिर रहे हैं। गौ माता तक तरस रही बेचारी, ना उसका घास है ना भूसा खाने के लिए किया दिया उसको, बच्चे पूरा परिवार। ये आपका सामान ये था? सामान रखा है मेरा, बहू का सामान है, कूलर कूलर सारा सामान गृहस्थी का बिखरित हो गया। जब आपका ये सीमांकन हुआ होगा, नाप नपती हुई होगी, पटवारी आए होंगे, तो उन्होंने कहाँ तक की जगह आपको खाली करने के लिए बोला था? सर वो पटवारी साहब आए थे जी नपती करने के लिए, उनने ये सरिया घराया है। कौन सा? ये देखें आप, ये वाला सरिया घड़ा है। अच्छा अच्छा, इसकी सिराई से खाली करने के लिए बोला था। इसकी सिराई से खाली करने, और लेकिन तोड़ा कहाँ तक है? तोड़ा सर ये अंदर तक है, आप देख सकते हैं ये पूरा टूटा पड़ा है, काफी अंदर तक उसको तोड़ा गया है, लगभग 10-15 फुट पूरी अंदर तोड़ा गया है। यहाँ पर कम से कम 50 साल हो गए। आपको जो नोटिस मिला था उसमें क्या लिखा था? दस्तखत करवाए थे। जैसे तहसीलदार मैडम का कहना है पट्टे भी आवंटित किए गए, तो क्या पट्टा मिला है? नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई जगह नहीं, कोई पट्टा नहीं मिला, कोई नहीं जगह
ड्यूटी मुन्नू जो पे दई थी मैडम ने वहाँ नाम रे वहाँ वालों पे भी दई थी मैडम ने जैसे भी चलवा दी करवा दिया मैडम से हमने बोला था पहले हमारे लिए व्यवस्था करवा दिए कहीं पट्टा दिलवा दीजिए तो हम खाली कर दें मैडम ने लेकिन सुनी नहीं है कोई। और जैसा कि तहसीलदार मैडम के द्वारा जिस दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी उस दिन ये बोला गया था कि इनको पट्टे आवंटित हो गए, लेकिन आज की तारीख तक आज 4 जनवरी 2022 तक कोई भी किसी तरीके कोई पट्टा इन लोगों को नहीं मिला है। और इन लोगों का कहना है कि हम जनसुनवाई में भी जा चुके हैं लेकिन प्रशासन इस मामले में बेखबर है, तो प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत से विदिशा के संवाददाता संजीव साहू फोन लाइन पर। संजीव, जिस तरह से खबर है 50 साल से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया, वे अपने मवेशियों के साथ बाहर कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हैं, क्या है तमाम मामला, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो पाई? जैसा कि आपने बताया कि आज की तारीख तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्या तहसीलदार ने आके सुध नहीं ली इन लोगों की? जी मैम, ये 25 दिसंबर के दिन ये तहसीलदार मैडम आई थी, सर्वजोगी मैडम आई थी, उन्होंने जब अतिक्रमण हटाया है तो उस दिन वो आई थी और उन्होंने बोला कि हमने पट्टे दे चुके, लेकिन किसी भी तरीके कोई पट्टा जो रहवासियों का कहे अनुसार किसी भी तरीके उन्हें कोई पट्टा नहीं मिला है। क्या इसके लिए क्या बहाना बनाता नजर आया प्रशासन? मैम, प्रशासन कहना इस मामले में ये है कि जो जगह इन्होंने चिन्हित करी है वो जगह रहवासी रहना नहीं चाह रहे, और रहवासियों का कहना ये है कि वो जगह दी है हमें जो देना चाह रहे हैं, जिसकी कोई अभी लिखित वो नहीं है जानकारी इनके पास, क्योंकि जो जगह बोला है कि आप ले लीजिए वो डूब क्षेत्र में आती है, वहाँ पे पानी भर जाता है तो वो लोग वहाँ मकान कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही। तो क्या ये अधिकारियों को दिखाई नहीं देता कि ये मजबूर लोग कहाँ रहेंगे फिर इसके बावजूद? जी मैम, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सवाल उठ रहा है, जबकि वो लोग वहाँ 50-60 साल रहे, एक दादा जो 45 साल की उम्र है और वो लगभग उनका जन्म वहीं पर हुआ, बिल्कुल जिस जगह पे वो मकान बने हुए हैं वहीं पर उनका जन्म हुआ है और वो इतने साल से वहाँ रह रहे हैं, उसके बाद उनको बेघर किया जा रहा है, जबकि पटवारी के द्वारा जो सीमांकन किया गया था उस क्षेत्र उस जगह से काफी अंदर तक मकानों को तोड़ा गया है, लोग बाहर खाना बनाने पर मजबूर है और बाहर ही उनका सब कुछ काम चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह की ये अगर दादागिरी भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नोटिस का उसमें कुछ और लिखा हुआ था, 10 से 15 फीट अंदर तक तोड़ा गया है मकानों को। जी बिल्कुल, जो पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया था, हाँ, जब तक उन्होंने नाप के कि जो सरकारी जमीन का नामांकन किया गया था, सीमांकन किया गया था, उसके काफी अंदर तक तोड़ा गया है और ये लोग जन सुनवाई में भी गए थे और वहां पे सिर्फ आवेदन लेके खानापूर्ति कर दी गई है। क्या कहना है इस मामले में तहसीलदार और पटवारी का जब खबर भारत उनके पास पहुंचा तो? जी, आज मैं जब पहुंचा उनके पास 1 बजे तो तहसीलदार मैडम वहां से उठ चुकी थी जन सुनवाई से, तो आज उनसे बात नहीं हो पाई और जल्दी ही उनसे बात करके जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर जैसा कि अभी हम सुन पा रहे थे लोगों की तकलीफें, वो अपने दर्द को बयां कर रहे थे, हम एक माध्यम बनते हैं बस उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, लेकिन वो तो जो अधिकारियों को जो करना है वो मैं और आप गवाह हैं इस बात के, वो वही करके रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके इस तकलीफ को आगे तक बता सके कि किस तरह से मजबूर व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपने घर को बना पाता, ऐसे लोगों खासकर ऐसे लोगों की अगर हम बात करना चाहें, अपने घर को बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और फिर बिना कोई व्यवस्था किए उनके घर को तोड़ दिया जाता है। अब आप सोचो ये मौसम, जिस मौसम में घर में बंद होकर रहने की जरूरत पड़ती है ठंड के मौसम में, और वहां वो खुले में बैठे हुए, ना सिर्फ वो बल्कि उनके मवेशी, उनका कहना है कि ये साथ की जमीन है और ठीक उचित है मैम, साथ की जमीन है, लेकिन वहां पे उनके पास लाइट का बिल भी आ रहा है, उनके पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बिल्कुल, और आधार कार्ड है, अगर वो फायद की जमीन है तो वहाँ पे किस आधार पर उनको ये सब सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं किस उस एड्रेस पे कैसे दी गई है? बिल्कुल संजीव, तो क्या कोई फॉर जैसे बोलते ना कि थोड़े समय के लिए अगर कुछ अस्थायी व्यवस्था की अगर हम बात करना चाहें, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें बयां हो रही हैं उससे तो नहीं लगता कि उनको मतलब वो यहाँ रह पाएंगे। नहीं मैम, किसी तरीके की कोई ऐसा व्यवस्था वहाँ नहीं करी गई है और अचानक से 1 महीने पहले उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया था वो नोटिस दिया गया था, तो वो उसके लिए वो तैयार थे, लेकिन अचानक से उनका काफी घर तोड़ दिया गया, तो वो पूरी तरीके से इस टाइम परेशान हालत में है
खाना बाहर बना रहे हैं और सारे मवेशी परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है। 50 सालों से रहने वाले ये लोग, कितने घर होंगे संजीव वहाँ पर? मैम लगभग ये कार्रवाई जो हुई है वो 5 घरों में, घर तो काफी सारे हैं लेकिन 5 घरों में ये कार्रवाई हुई है। और 5 घरों में कितने सदस्य रहते हैं? 5 घर में लगभग 30 सदस्यों को अपन मान सकते हैं, 30 लोग मान सकते हैं करीब करीब। और मवेशियों की संख्या कितनी होगी? मवेशियों की संख्या 20 के आसपास होना चाहिए। अब आप मानकर चलिए संजीव, आसानी से इस बात को समझा जा सकता है, आपने बारीकी से ये वीडियो बनाया है, घर की अस्त व्यस्त स्थिति दिखाई दे रही है, लोगों की तकलीफें बयां हो रही हैं, उनका दर्द समझ में आ रहा है हमें और आपको, लेकिन अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को ये चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही होंगी। संजीव मैं सही हूँ? जी बिल्कुल मैम। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। अगर 1-2 दिन के अंदर इसमें कोई अस्थायी व्यवस्था भी अगर नहीं की जाती है तो मैं चाहूंगी कि इस खबर को हम दोबारा उठाएं, अपडेट लें और इसको, इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएं। फिलहाल के लिए मैं आपका यही धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस खबर के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया खबर भारत की तरफ से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का, तो कृपया सभी माँ बाप से ये अनुरोध है कि बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं, उन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आपके चेहरे पर भी खुशी रहेगी। नमस्कार।